भी पंडाल है वो बहुत छोटे हैं और कहीं पर भी लोगों को, मतलब जो भाविक है उन्हें दर्शन की मुभा नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन दर्शन होगा। सिर्फ मंडल के जो कार्यकर्ता है वही जो आरती और बाकी उपक्रम है वो करेंगे। इसके बारे में पुणे पुलिस ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था लास्ट ईयर, उसका पूरा कंप्लायंस हुआ था। इस बार भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रॉमिस हमें सभी मंडलों ने दिया है। इस बार पुणे शहर का स्पेशलिटी ये रहेगी कि सभी मंडल जो है वो उसका अपना इमर्जन जो है वो अपने मंडप में ही करेंगे या मंदिर में ही करेंगे। कोई भी इमर्जन की प्रोसेशन नहीं होगी और कोई भी इमर्जन घाट पे जाके नहीं होगा। और ये गणेशोत्सव मंडल के साथ साथ जो घरगुती गणपति रहते उन्हें भी लागू होगा। कोई भी जो घरेलू गणपति है जो घर में रखा जाता है वो गणपति भी किसी घाट पे इमर्जन नहीं होगा, उसका इमर्जन जो है वो अपने घर में कर सकते हैं या फिर महानगर पालिका जो मोबाइल वैन्स है उसमें उसका इमर्जन करने का प्रबंध किया है। और इस बार भी जो स्टेप्स लेने हैं पुलिस ने वो ले चुकी है, लोगों को हम पूरा कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं और पूरी तैयारी है। ऑलमोस्ट 7,000 से ऊपर पुलिसकर्मी जो है इस बंदोबस्त में रहेंगे। हम बंदोबस्त में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सबको कॉन्फिडेंस में लेके मुझे पूरा विश्वास है कि पुणे जो कल्चरल कैपिटल है महाराष्ट्र की वो एक नया जो आदर्श है पूरे स्टेट के लिए कायम करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।